कोई हारा तो कोई जीता, लेकिन आज एक चीज है जो डेफिनेटली जीती है और वो है टेस्ट क्रिकेट। एक दौर है जिसमें हम जी रहे हैं जहां पर T10 क्रिकेट चल रहा है, T20 चल रहा है, लोगों को ताबड़तोड़ वो शॉर्ट फॉर्मेट पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन आज भी जो क्लासिक टेस्ट क्रिकेट है वो अपने जब पीक पर जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं। आप कितने भी रोमांचक मैच देखे हो, लेकिन आज के जो टेस्ट मैच गुजरे हैं दो, वो टेस्ट मैच हैं जिन्होंने नहीं देखे वो हाइलाइट्स देखकर अफसोस करेंगे कि यार काश लाइव देखा होता। मैं हूं असद, मेरे साथ फारूक। फारूक, वेस्टइंडीज बिल्कुल राइट ऑफ कर दी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीत सकते, लेकिन शमार जोसफ आते हैं, एक लड़का जो एक साल पहले तक सिक्योरिटी गार्ड था, वो अपने टूटे पैर से बॉलिंग करता है, 7 विकेट ले जाता है। इंडिया में इंग्लैंड आती है, एक लड़का डेब्यू करता है और पहली इनिंग में 131 रन खा जाता है, उसके बाद वो भी 7 विकेट लेता है, इंग्लैंड को मैच जिता देता है। 2 क्लासिक टेस्ट मैच एक दिन के अंदर देखना कैसा लगा, मतलब एक लंबे अरसे के बाद। मैंने आज सुबह आपसे क्या कहा था, एक और आइकॉनिक टेस्ट मैच आ रहा है। आपने उस टाइम कहा था, मैं सर सुबह कह रहा था कि देखो एक और आइकॉनिक टेस्ट मैच आ रहा है, तो कह रहे कहां, ये तो आराम से जीत रहे। और ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब मैच शुरू हुआ था, जब पहली इनिंग हुई थी उस टाइम, जैसे अभी आपने कहा कि वेस्ट इंडीज को राइट ऑफ किया था, वैसे ही इंग्लैंड को भी राइट ऑफ कर दिया था कि यार इंग्लैंड कहां जीतेगी, पिछले 10 साल से नहीं जीती। और जब हमने 450 रन मार दिया, 190 रन की लीड लगा ली, तो अब तो हमने कहा कि भाई अब तो बुरी सिचुएशन में भी हार जाएगी इंग्लैंड। और आज सुबह जब मैं कह रहा था एक और आइकॉनिक टेस्ट मैच आ रहा है, तो हम साथ में बात कर रहे थे, कह रहे नहीं ऐसा नहीं कुछ होगा, लेकिन देखिए लास्ट में आकर के वो थी ना, एकदम ये लगा कि भाई ये मैच हमारा अब निकला नहीं आया और निकल गया, हाथ से निकल गया। खैर, पहले बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, गाबा द फोर्ट्रेस गाबा, क्योंकि अब सिर्फ गाबा बच गया। हाँ, आगे वाला स्लिप डाउन हो गया, क्योंकि आप दो बार वेस्ट इंडीज से हारे 88 और अभी, और फिर उसके बाद एक बार इंडिया से हारे 3 साल पहले, वो भी यंग इंडिया ने, और इधर भी हराया, ये भी यंग इंडीज ने। और आज इंग्लैंड के यंग बॉलिंग लाइनअप ने हमें हराया, बिना पेसर्स के पहली बार इंग्लैंड जीता है जी, बिना पेसर्स के, तो इट्स अनदर थिंग। पर वेस्ट इंडीज की बात करूं तो 64 रन पर 5 विकेट हो जाते हैं, उसके बाद केविन सिंक्लेयर और हॉज आते हैं, 311 वेस्ट इंडीज बना देती है वहां से। फिर एक ब्रेव कॉल आती है पैट कमिंस की तरफ से, जो आते हैं वो 22 रन पहले, अब वो ब्रेव नहीं रही, अब वो स्टूपिड कॉल हो गई। ब्रेव तब तक थी जब तक रिजल्ट नहीं आया था, स्टिल से अब वो स्टूपिड कॉल थी। और आप देखिए दोनों मैच में बहुत कुछ इक्वल है, पहले वेस्ट इंडीज लग रहा था ऑलमोस्ट हार जाएगी, 6 विकेट गिरने के बाद हमें एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिलती है, एक लंबा स्कोर देखने को मिल जाता है। इंग्लैंड की तरफ आइए, ऐसा लग रहा था पहले इनिंग इंग्लैंड बहुत बुरी, इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इंग्लैंड हार जाएगी, बट फिर ओली पोप आते हैं और दैट्स इट, डन एंड डस्टेड, कमाल कर जाते हैं। मतलब ओली पोप का कमाल था और वहां पर शमार जोसफ का कमाल था, जिन्हें कल कह दिया गया था ये कल बॉलिंग तो दूर, ग्राउंड पे भी नहीं आएंगे, ग्राउंड पे भी नहीं आ जाएंगे, उनका घुटना टो टूट गया था, क्योंकि उनको यॉर्कर ऐसी लगी थी कि कहा के भाई, और उन्होंने क्या कहा कि मुझे नहीं पता डॉक्टर ने क्या किया, बट कुछ तो किया कि मुझे बहुत मजा आया, और मुझसे कहा था कि तुम सिर्फ ग्राउंड में चले जाओ, बट एक बार ग्राउंड में जब आप चले जाते हो, आपके हाथ में गेंद रहती है, वो जज्बा रहता है, कैप्टन से कहा कि भाई मुझे बॉल करनी है और मैं तब तक बॉल करूंगा जब तक आखिरी विकेट ना हो जाए। और ये जुनून होता है, ये टेस्ट क्रिकेट के लिए जुनून है। वसीम अकरम ने कहा था टेस्ट क्रिकेट इज अ बिग बॉयज गेम, और आई कैन प्राउडली से दैट कि शमार जोसफ ने ये बात कही, सोचिए आज के टाइम पर उन्होंने ये लाइन कही है कि मुझे कितने भी कम पैसे क्यों ना मिले मैं टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा। अब आप बताइए इसके अंदर क्रिकेट का कैसा जुनून है। कुछ ऐसे लोग हैं जो फास्ट बॉलर ही हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से खुद को दूर रख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को छोटे छोटे मैचेस खेलने हैं जहां मुझे सिर्फ 4 ओवर फेंकने होंगे। और इसीलिए वसीम अकरम ने कहा था कि वो बिग बॉयज गेम, अगर बिग बॉय बनना है ना तो टेस्ट क्रिकेट खेलो। और जैसा असद ने शुरू में कहा था, T10 T20 के दौर में टेस्ट जब अपनी पीक पर होता है ना, तो सारी एक्साइटमेंट एक तरफ और ये एक तरफ, तो क्रिकेट को एक्चुअली में टेस्ट ही डिफाइन करता है। आप सिंपल सा सोचो ना, आपने 4 दिन मेहनत करी है ना, बिल्कुल लास्ट का 1 घंटा तुम भूल, कोई एक T20 मैच कैसे वो मजा दे सकता है जो आपकी, क्योंकि T20 में क्या होता है, आपके T20 में 3 घंटे की मेहनत, T20 में एक ग्राफ पर चल रहा है, आपके 3 घंटे की मेहनत है जी हाँ, वनडे में आपकी 1 दिन की मेहनत है, टेस्ट में आपके 4 दिन की, 4 दिन की मेहनत। अगर आप लास्ट में जरा सी गलती करते हो तो सामने वाली टीम, और ऐसा नहीं आपको एक बार मौका दिया जाता है, आपको 2 बार मौका दिया जाता है, आपकी पेशेंस टेस्ट की जाती है, आपकी डिटर्मिनेशन चेक की जाती है। आज उसी पेशेंस डिटर्मिनेशन में अश्विन हारे,
अश्विन पेशेंस दिखा रहे थे, लेकिन टॉम हार्टली जीते। टॉम हार्टली ने कहा कि दूसरे मैच में मैंने सिर्फ जडेजा और अश्विन को ऑब्जर्व करा कि वो पहले इनिंग में कैसे बॉल कर रहे थे। मैं खामखा तेज फेंक रहा था, वो तो आराम से इत्मीनान से फेंक कर टर्न करा रहे हैं, और मैंने वही दूसरे मैच में करा और मुझे सफलता मिली। बेन स्टोक्स ने कहा कि भले मैं अच्छा ऑब्जर्वर आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं दूर से सब कुछ पढ़ रहा था कि किस तरह से रोहित शर्मा फील्ड चेंज कर रहे थे, किस तरह से वो बॉल को कहां पिच करना है वो बता रहे थे, और उसको मैंने ध्यान से ऑब्जर्व करा और उसी को मैंने नेक्स्ट इनिंग में इंप्लीमेंट करा। और देखिए दोनों ने हमसे सीखा और जीत गए। कुल मिला के बात ये रही कि जब तक इस तरह के मैचेस होते रहेंगे, आई कैन प्राउडली एंड कंफर्म यू, आई कैन अश्योर यू दैट टेस्ट क्रिकेट कहीं नहीं जाने वाला, वो इसी तरह से अपने पीक पर रहेगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करते जाएंगे।